आज हम बनाएंगे वेजी पिज्जा। तो चलिए देखते हैं इसको मैंने कैसे बनाया है। फ्रेंड्स, वेजी पिज्जा बनाने के लिए हमें चाहिए पिज्जा बेस। आप चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं रेडीमेड ले रही हूँ। अनियंस, रेड बेल पेपर, ग्रीन कैप्सिकम और टमाटो और स्वीट कॉर्न और पिज्जा सॉस, ये मेरी होममेड पिज्जा सॉस है, मोज़रेला चीज, चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो। इसके अलावा आप एलोपिनो वगैरह अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मेरे यहाँ पसंद नहीं करते तो मैं नहीं डाल रही हूँ। और वेजीज को सॉटे करने के लिए थोड़ा सा ऑयल। तो चलिए अपना पिज्जा बनाना करते हैं स्टार्ट। तो ये जो वेजीज हैं इनको मैं सॉटे कर रही हूँ हल्का सा, बहुत ज्यादा गलाना नहीं है, बस हल्का सा कुक करना है, क्योंकि मैं इसको पिज्जा को माइक्रोवेव में नहीं करूंगी, मैं इसको तवा पर बनाऊंगी तो सब्जियां ऊपर से कच्ची रह जाएंगी। तो कच्ची ना रहे इसके लिए हम इनको हल्का सा सॉटे कर लेंगे। तो ये वेजीज मेरी सॉटे हो गई, मैं हल्का सा टमाटोज को भी कर रही हूँ, आप चाहें तो मत कीजिएगा। और इसमें हल्का सा सॉल्ट डालेंगे हम। बहुत ज्यादा नहीं बस, और गैस को कर देंगे ऑफ और इसको करते हैं ठंडा। तो चलिए अब पिज्जा बेस पर सबसे पहले लगाते हैं पिज्जा सॉस अच्छे से। अब अपनी वेजीज लगाएंगे। तो वेजीज हमने लगा ली, अब टाइम है इस पर पिज्जा चीज जो है वो ग्रेट करके डालने का। तो मैंने मोज़रेला लिया है यहाँ पर और इसको ग्रेट करते हैं। चीज के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, आपकी जितनी श्रद्धा हो उतना डालिए। तो दोस्तों मैंने कॉर्न डालने उस टाइम गलती से ध्यान नहीं रहा था, तो मैं अब डाल रही हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन आप पहले ही डाल लीजिएगा। तो आप तवे पर हल्का सा कुछ भी ऑयल या घी, बहुत ज़्यादा नहीं बहुत हल्का सा अप्लाई कर लीजिएगा, नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। और अब टाइम है अपने पिज्ज़ा को तवा पर रखने का, और गैस को सिम करके इस पर अब हम लगा देते हैं लिड और इसको तब तक पकाएंगे जब तक हमारा पिज्ज़ा बेस नीचे से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और जब तक चीज़ हमारा मेल्ट हो जाए। इस पर लिड लगा देती हूँ और इसको 5 to 6 मिनट लगेंगे और ये बहुत अच्छा सा चीज़ भी मेल्ट हो जाएगा और नीचे से क्रिस्पी भी हो जाएगा। तो दोस्तों चीज़ हमारा हो गया मेल्ट, और एक बार चेक करते हैं नीचे से इसका कलर कैसा आया। वाह, देखिए एकदम गोल्डन ब्राउन कलर। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो चलिए इसको निकालते हैं और करते हैं कट, लेकिन उससे पहले इस पर डालेंगे चिली फ्लेक्स। मैं थोड़े कम डाल रही हूँ, आप चाहें तो ज़्यादा डाल लीजिएगा। और ओरिगैनो, और अब करते हैं इसको कट। लीजिए पिज्जा हो गया हमारा रेडी, और देखिए कितना मस्त पिज्जा बना है। आ रहा है ना मुंह में पानी। तो आप कब बना रहे हैं इस तरीके से पिज्जा?